हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। परी बुटीक चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैंने देखी एक बहुत ही खूबसूरत सी अनारकली ड्रेस तैयार की है विद दुपट्टे के साथ, उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कपड़े को पहले 4 फोल्ड में रखा है, फिर इसके बाद मैंने इसको 8 परत में कर दिया है, एक बार और इसको पलट दिया है। तो देखिए इसकी 8 लेयर बनी हुई है। इनकी हम कलियाँ की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने 8 लेयर में रखा है। कपड़े को आपको एकदम से अच्छे से लगा लेना है, कहीं भी बीच में कोई भी सलवट ना हो। ये देखिए 8 लेयर में रखा हुआ है। अब हम इसकी लंबाई जो मैंने ली है, मैंने 40 इंच की लंबाई ली है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाया है। इस तरफ से आपको 4 इंच लगाना है और उधर उस कॉर्नर से आपको 4 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए 4 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। और इधर के जो निशान है, उस निशान से इधर के निशान को आपको स्केल से मिला लेना है इस तरीके से। देखिए मैंने ये एक निशान का दूसरे निशान से मिला दिया है चौक से, ठीक है। अब आपको इसको कटिंग कर लेना है कैची से। और चूंकि ये 8 लेयर में है, कपड़ा मोटा है, हो जाता है उसमें, तो आराम से कटिंग करिए, कपड़ा इधर उधर भागे ना। और ये तो कॉटन का कपड़ा है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कभी आप जॉर्जेट या कोई और बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आराम से पिनअप करके ही कटिंग करिए। मैंने कटिंग कर दी और साइड से भी खोल दिया है उसको, और एक्स्ट्रा जो भी था उसको हटा दिया है। देखिए अब आपको कलियों जोड़ने का जो तरीका है वो ये है कि जहाँ आपने एक सीधा और एक जो ये साइड का जो ट्रायंगल में कटा है, तिरछा कटा है, तिरछा और एक सीधा उठा के आपको जोड़ना है। तो जब भी आप कटिंग करिए, नीचे रख दीजिए इनको और दो दो कलियाँ उठा के आप जोड़ते जाइए। एक सीधा लाइन उठाइए और एक तिरछी वाली, दोनों कलियाँ उठाइए और दोनों को दो दो कलियाँ आप जोड़ लीजिए। और दो दो कली जोड़ने के बाद आप 8 8 कली जुड़ेगी एक पल्ले में। तो इस तरीके से देखिए मैंने दो दो का सेट बना दिया है। तो हमने ये 4 कलियाँ 4 सेट जो होगा वो हमारे आगे के पल्ले में लगेगा और बैक में भी 4 का ही लगेगा। तो इस तरीके से मेरी 8 कलियाँ ये जुड़ जाएंगी। देखिए मैंने ये जोड़ दिया है तरीके से, ये आगे और ये फ्रंट दोनों पल्ले मैंने अटैच कर दिए हैं। हम नीचे अपर टिपर हो जाता है तो उसको बाद में आपको कैचिंग मतलब कैची से इसको कटिंग करना होगा। देखिए मैंने ये जोड़ दिया है, इस तरीके से आपकी कलियाँ जुड़ जाएंगी। दो पल्ले अलग 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 लेयर में होंगे, आप इनको अलग से रखिए। इसके बाद हम मैन ऊपर की कटिंग करेंगे। तो मैंने जो उसकी हाइट ले रखी है वो 13.5 इंच की ली हुई है। 13.5 इंच पे मैंने इसका कटिंग की है क्योंकि 1 इंच हमारा अंदर चला जाएगा और 1 इंच क्या बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और शोल्डर पर मैंने इसमें 7 इंच की कटिंग की है। देखिए यहाँ से हम शोल्डर जो लेंगे वो 7 इंच पर लेंगे और आर्म होल हमारा 6.5 इंच पे बनेगा। चेस्ट जो है वो हमारा 33 इंच का चेस्ट है, तो उस हिसाब से हम उसको 4 डिवीज़न में कर लेंगे। तो 8.25 समथिंग आएगा आपका। तो अब मैंने इसको 8.5 ही लगाया है, तो 8.5 इंच पे, क्योंकि मैं इस पे साइड में जिप नहीं लगा रही हूँ, चैन नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा लूज ही बनाया ताकि आराम से इसको ऊपर से पहना जा सके। तो मैंने 8.5 इंच पे चेस्ट लगाया है निशान। इसके बाद जो जो कमर है वो भी मैंने 8.5 इंच पे लगाई हुई है। तो ऊपर 8.25 पे आप फिटिंग डालेंगे और नीचे मैंने 8.5 पे फिटिंग डाली है, तो उससे आसानी से पहन पाएंगे और उसमें आपको चैन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हल्का सा लूज़ बनाया है, इस तरीके से चाक का निशान लगाते हुए हम ये एक पल्ले की कटिंग कर लेंगे। और इसी पल्ले को रख कर हम दूसरे कपड़े को फोल्ड करके उसी को और हम दूसरे पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों पल्ले कट कर लिए हैं और प्लस मैंने इसमें साथ साथ ऊपर के कपड़े में इनर अंदर अस्तर भी लगाया हुआ है, तो इसलिए क्योंकि ताकि ये इचिंग विचिंग ना करे, इसलिए आप बॉटम में लगाएं ना लगाएं ऊपर ज़रूर लगा लेना चाहिए कॉटन का कपड़ा, ताकि आपको पहनते समय इसकी इचिंग फील ना हो। क्योंकि ये हल्का सा रबर गोल्डन सिल्वर प्रिंट का कपड़ा है तो ये हो सकता है अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए मैंने इसमें अस्तर जोड़ दिया है। और ये देखिए आगे के पल्ले में थोड़ी सी आपको गहराई दे देनी है, स्लीव लेस है इसलिए ज़्यादा नहीं बनाना है, हल्का सा गहराई दिए हुए मैंने इसको। ये हमारे ऊपर के पल्ले तैयार हैं। अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो पहले हम आपको
गले की कटिंग बताएंगे। देखिए नेक जो मैंने बनाया यू नेक बनाया है, डीप यू है, करीब 9 इंच इसकी लेंथ है, तो आपको 3.5 इंच पे इसकी विड्थ का निशान लगाना है। चौड़ाई जो होगी हमारे 3.5 इंच पे होगी, 3.5 इंच क्योंकि हमने 7 इंच लिया हुआ है उसको वहाँ पे शोल्डर पे, तो वो 3.5 इंच के हिसाब से ये लेंगे हम। और 9 इंच पे मैंने ये निशान लगाया और हल्का सा यू नेक इसका बनाया हुआ है, तो ये देखिए हल्का सा नीचे जाके बस हल्की सी गुलाई दी हुई है, ये गुलाई मैंने यहाँ दे रखी है। तो आप चौक से ये निशान लगाइए और उसके बाद इसकी कटिंग कर दीजिए। ये हमारे बकरम की कटिंग हो गई है, इसको हम कपड़े पे अटैच करेंगे पिन अप करके, और इसको कच्ची सिलाई से हम इसको कपड़े पे स्टिच कर लेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे, तो वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। मैंने पहले भी इसकी वीडियोस डाले हैं। अब ये जो हमारा अस्तर और ऊपर का फैब्रिक है दोनों को अटैच कर लेंगे और सेंटर पॉइंट बना लेंगे। चौक से आप एक सीधी लाइन खींचिए सेंटर पॉइंट पे, ताकि आपका गला एकदम सेंटर पे बने। इस तरीके से मैंने ये चौक की लाइन लगा ली और ये चौक के निशान मैंने उसमें भी लगाया है जिसमें मैं इस कपड़े पे बकरम को बिठाती हूँ, तो दोनों लाइन को एक के ऊपर एक रख के आपको बिठालना है। इस तरीके से बिठाल दीजिए और सेंटर पे सिलाई एक लगा दीजिए कच्ची। उसके बाद आप जब बकरम बिठा सिलाई लगाएंगे बकरम के साइड से, तो बहुत अच्छे से लग जाएगी, कपड़ा इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा। देखिए मैंने फिर ये सिलाई लगा दी है, तो हमारा गला तैयार है। अब इसकी कटिंग कर दीजिए आप और हल्का सा छोटा छोटा कट लगा के और इसको पलट दीजिए। और मैंने एक फिनिशिंग वाली एक सिलाई लगा दी है। ये देखिए हमारा बैक नेक तैयार है। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट का जो नेक है वो इसकी भी विड्थ 3.5 इंच होगी और हाइट मैंने सिर्फ 6.5 इंच ली है, क्योंकि 6.5 इंच पे भी डीप ही हो जाता है, तो ये 6.5 इंच का हमने नेक डिज़ाइन किया है। हल्का सा इसमें भी गुलाई दे दीजिए और इसकी भी कटिंग करके आप इसको भी कच्चे मतलब कपड़े पर बिठाल के और कच्ची सिलाई लगा के और इसको भी उसी तरह बना दीजिए। ये मेरा बन गया है, इसको कपड़े पर अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद आप इसको कटिंग करके वही उसी तरीके से छोटे छोटे कट लगा दीजिए और इसकी भी पलट की सिलाई लगा दीजिए। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि कट नहीं लगाते हैं तो प्लेट्स जैसी आ जाती है और गला फिनिशिंग दिखाई नहीं देता है, तो आपको कट ज़रूर लगाने, खासकर गोल गले पे थोड़ा ज़्यादा कटिंग होती है, और दूसरे तरह के गले पे जहाँ जहाँ पॉइंट होते हैं वहीं कट करना होता है, लेकिन गोल गले पे हमको कटिंग ज़्यादा अच्छे से देनी होती है। इस तरीके से आप ये फिनिशिंग वाली सिलाई इस पर भी लगा दीजिए। ये हमारा बैक फ्रंट बैक भी तैयार है। देखिए इस तरीके से दोनों को आपको रख के एकदम सही से कपड़े को बिठालना है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देना है। अब मैंने इसको शोल्डर से अटैच कर दिया है दोनों पल्लों को, और जितना आपको मान लो मेरा ज़्यादा था तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हटा दिया है, जितना भी आपको कंधे पे कपड़ा चाहिए, जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतना ही रखिए। मैंने काट दिया था थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी था फैब्रिक। अब इसके एक एक पल्ले पे मैंने कमर की जो कलियां काट के अटैच की थी वो सारी जोड़ दी हैं, नीचे के पल्ले जो हैं वो ऊपर के पल्ले से अटैच कर दिए हैं। हमारे ये चारों पल्ले एक दूसरे से अटैच हो गए हैं।
ये देखिए हमारे नेक बिल्कुल फिनिशिंग से बन चुका है और हमारी कलियां भी अटैच हो गई हैं कमर से, शोल्डर बढ़िया से अटैच हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे कंधे पे जो पट्टी लगानी है, पाइपिंग लगानी है, वो मैंने लगाई है। ये जो मैंने पाइपिंग लगाई है ऊपर की तरफ लगाई है, जैसे आपने मार्केट में देखे होंगे कुर्ते में आती है वो लगाई है। तो देखिए पहले आपको स्केल रख के और बकायदा कपड़े पे बहुत अच्छे से सीधी सीधी लाइन चाक से ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद कटिंग कर लेनी है। ये मैंने 2-2 इंच की पट्टियाँ काटी हुई हैं जो हमारी डोरी में भी काम आएंगी, प्लस आपके एक पाइपिंग लगाने में। तो डबल करके आपको इस तरीके से अंदर की तरफ से उल्टे, मतलब अंदर का जो कपड़ा होता है उस तरफ से आपको सिलाई करनी है। इस तरीके से आप डबल करके सिलाई कर दीजिए। देखिए मैंने सिलाई कर दी। अब एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है वो आपको कट कर देना है, जो भी बाहर की तरफ जा रहा होगा उसको सब कट कर दीजिए। छोटा छोटा आपको इसमें भी कट लगाना होगा, कट लगाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से कट लगाइए ताकि आपकी सिलाई कट ना हो। छोटा छोटा कट लगा दीजिए पूरे में। इसके बाद आपको इसको ऊपर की तरफ पलटना है, मतलब जब हम ये पलटेंगे तो हमारे जो मेन फैब्रिक है उस तरफ आ जाएगी, मेन कपड़े पे आ जाएगी। इसको पलटते समय बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको किनारे की सिलाई लगानी है। अब बिल्कुल खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से थोड़ा सा दूर जाके, थोड़ा सा दूर जाके आप इसको दबाइए कपड़े को और सिलाई करिए। मतलब एकदम पास पास नहीं खींचेंगे तो फिर वो सही से झोल जैसा भी आ सकता है। तो हल्का सा दूर दूर से थोड़ा पकड़ के उसको दबा के रखिए और फिर इसको कपड़े हाथ से पुश करते हुए बिठालते हुए धीरे धीरे इसको लगा दीजिए। तरीके से सिलाई लगा दीजिए। मैंने सिलाई लगा दी। अब जो दूसरी सिलाई होगी वो हमारे अंदर की तरफ होगी, तो इसको भी आपको हल्के हाथ से बिठालते हुए आपको सिलाई लगा देनी है, खींचना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगा दीजिए, बस हाँ इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। बस बिठालना है आपको पाइपिंग को, कहीं से इसको खींचना नहीं है। देखिए बहुत ही सुंदर सी बन के तैयार हुई है ये कंधे पे, ये बहुत ही खूबसूरत लगे। इस तरीके से आपको दोनों तरफ आपको ये लगा लेनी है। ये दोनों तरफ तैयार है। अब हम इसमें नाप लगाएंगे, जो भी हमारा नाप है। तो मैंने इसमें इसको उल्टी की तरफ आप रख दीजिए फोर फोल्ड करके। देखिए इस तरीके से तैयार हुई थी, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो इधर से बनाया आपको कैसे पल्ले तैयार कर दिए हैं मैंने पहले। तो आपको पहले सबसे नीचे किनारे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको आपको कट कर देना है। अब आपको नीचे फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करते समय ध्यान रखना है कि फोल्ड भी आप जब करेंगे तब भी आप खींचेंगे नहीं, और जैसे जैसे कली की सिलाई आती जाएगी उस तरह आप उतनी गैपिंग पे आप उसको मोड़िए। तो जब आप मोड़ेंगे तो हल्का सा बीच में जैसे इकट्ठा हो रहा है कपड़ा, तो उसको धीरे से दबा। देखिए जिस तरीके से मैं ये कर रही हूँ, ऐसे करके आपको बीच में एक प्लेट आदि आप खींच के लगाएंगे तो प्लेट बहुत जाके तिरछा बैठेगा, एकदम लहरा जाएगा आपका कपड़ा। तो आपको उस तरीके से नहीं फोल्ड करना है। मैंने साइड की सिलाई भी लगा दी है और मैंने ये देखिए लेस लगाई है कंगूरे वाली। तो आपको इस तरीके से लेस लगा देनी है, और आपको जो भी पसंद है, आप जो भी लेस लगाना चाहें वो लगा दीजिए। मैंने लगा रखी है इस तरीके की लेस लगा दी है। इसी लेस से मैंने दुपट्टे पे बहुत हैवी वर्क किया है, दुपट्टे को भी बनाया है। तो आप मैंने दुपट्टे का वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स में डाला है इसका वीडियो, तो आप यदि चाहें तो उसको भी देखते हैं। उसका बड़ा वीडियो मैंने नहीं डाला है। इस तरीके से लेस मैंने लगा दी है। दुपट्टे के वीडियो की शॉर्ट्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उसका शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोई और दुपट्टा बनाऊंगी तो उसका फुल वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी।
आप यहाँ से मैंने नाप लगाया है जो सेंटर में फोल्ड करके सेंटर लगा लीजिए, उसके बाद वहाँ से आप सीधा नाप लगाइए। देखिए मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से भी मैंने 8.5 इंच ले लिया, सबसे ऊपर 8.25 था तो मैंने उस हिसाब से निशान लगा दिया है और इस पर फिटिंग डाल दी है। आप इस तरीके की ड्रेसेस में आप चाहे जितना डीप नेक बनाइए, क्योंकि आप डोरी लगाएंगे तो आपका नेक वैसे भी इधर उधर नहीं भागेगा। साइड में सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको उसको कट कर देना है। देखिए हमारी तैयार है। अब जो हम डोरी अटैच करेंगे उसको 4 इंच या चार आप इंची टेप से 4 इंच नाप लीजिए, या फिर करीब अपने फिंगर से 4 अंगुल रख के और एक चौक का निशान लगा दीजिए और उसी चौक के निशान से दूसरे तरफ भी प्रेस कर दीजिए। तो दोनों तरफ आप डोरी अटैच कर दिए मैंने। डोरी का वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगी। डोरी मैंने वेल बनाई हुई है बहुत खूबसूरत सी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मेरी अनारकली गाउन कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।